मैं साधना गौरा की रसोई से बोल रही हूँ। मैं आपको एक नई रेसिपी बताऊंगी, मखाने की चाट, जो कि बहुत हेल्दी और पौष्टिक होती है। व्रत में भी खा सकते हैं इसको। अरे वाह, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या है। मखाने है, बारीक सेव है, और आलू है, और दही है, टमाटर, प्याज, मिर्ची, नमक, शक्कर थोड़ी सी, और मिर्ची, और मिर्ची वाली चटनी, और ये इमली की चटनी। चाट में तो इमली की चटनी होती है, तभी मजा आता है। और ये जीरा और काला नमक और चाट। हम बनाते हैं जल्दी से फटाफट झटपट बनने वाली चाट, जिसको कि बच्चे लोग भी बना सकते हैं। चाट बनाते हैं। ये मखाने डाले, इस मखाने को हमने घी में रोस्ट किया है 1 मिनट माइक्रोवेव में शुद्ध घी डाल के। और फिर इसको चला लेना है 1 मिनट तक, फिर ये अच्छी क्रिस्पी हो जाती है, फिर इसकी चाट बनाएंगे। तो ये मखाने डाले, फिर ये आलू डाला, इसमें हमने आलू डाले, फिर ये टमाटर डाले, टमाटर डाल लेंगे, और प्याज भी इच्छा अनुसार, अगर आप व्रत में खाते हैं तो प्याज मत डालिए, जैसे प्याज डाल दीजिए तो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये प्याज डाल देंगे, ये आलू, ये इसमें दही में मैंने नमक और शक्कर मिला के रखा है। फैट की अच्छी तरह से मीठा दही है। और खट्टी चाट बनेगी जिससे ये इमली की चटनी है, इसको डाल देंगे, और फिर ये ग्रीन चटनी है, इसको डाल देंगे अच्छी तरह से, और फिर ये बारीक सेव डाल देंगे अच्छे से फैलाते हुए, अच्छे से, बढ़िया सही। फिर ये बहुत ही अच्छी हेल्दी चाट रहती है, इसको बच्चे लोग छोटी मोटी भूख के लिए, जैसे स्कूल से आते खेलते हुए, कभी भी यूज कर सकते हैं, इसको कभी भी खा सकते हैं बच्चे। तो बहुत ही अच्छी लगती है, और इसमें मिर्ची अपने बच्चों के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये चाट बनके रेडी हो गई, देखिए कितनी अच्छी चाट लग रही है। वाओ, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बनती है। यस, बच्चे तो एकदम टूट पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी चाट है। मैं साधना गौरा, आप ऐसे थम्स अप करिए और बेल आइकॉन बटन हिट करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को खुद खाइए और दूसरों को भी शेयर करिए। थैंक